हेलो दोस्तों, टेक गुरु चैनल पे आप सबका स्वागत है। ओके, ये हम लोग पहला ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग फेस टू फेस आज बातें करेंगे। ओके, इस वीडियो में मैं सब पॉइंट्स कवर करना चाहता हूँ दोस्तों। पहले तो मैं अपने खुद के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मीराज है। ओके, मेरे सब दोस्त मुझे राज कहते हैं। 3 साल हो गए मुझे यहाँ पर आते हुए यूएई में, दुबई में। मैं अबू धाबी में काम करता हूँ खुद। ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि अपने कुछ दोस्त होते हैं जिनको अब्रॉड जाना होता है, काम करना मतलब अच्छा लगता है, पर उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, सोर्स नहीं होता है यार, कैसे जाए, कौन हेल्प करे। अगर किसी एजेंट को पूछेगा तो मिनिमम वो लोग 50,000 बोलते हैं। सही है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, इंजीनियरिंग के बाद सैलरी सेटिस्फाइड नहीं थी दोस्तों। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी सैलरी 11,000 थी सिर्फ। ओके, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड नहीं था उस सैलरी में। इमेजिन करो ना, हम लोग किस लिए काम करते हैं, कि अच्छी सैलरी के लिए। तो 1 साल बाद मेरी सैलरी हुई 12,500, 12,500। सोच रहा था यार, इतनी सैलरी में होगा क्या? तो दिमाग में आया, चलो बाहर ट्राई करते हैं। एक एजेंट को फ़ोन किया, एजेंट को कॉल किया उस टाइम मैंने, 2013-14 की बात है, 13 की बात है। एजेंट को बात करने के बाद वो बोला कि सर 2 लाख रुपए दो, कनाडा में सेट कर देता हूँ आपको। मन में सोचा यार, 2 लाख रुपए अगर मेरे पास होते तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता यार। सच में इंडिया में 11,000 सैलरी है तो जीरो सेविंग होती है दोस्तों, आपको तो पता है, उस टाइम की बात है। तो मैं क्या करता था फिर, होप नहीं छोड़ी मैंने। मैं मेरे कलीग्स को बताता था उस टाइम कि यार मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे, जल्दी मैं तो निकल लूँगा, चिल्डर में काम करने का मेरे से नहीं होता है। ओके, तो मैं ट्राई करता था, ऐसे ही ट्राई करता था। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोज में बताया कि ऑनलाइन ट्राई करो, एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आएगा आपको कॉल आएगा, ऐसा नहीं है। मुझको कॉल पहले 2012 में भी दुबई का कॉल आया था दोस्तों, मगर उस टाइम सैलरी कम थी और मैं भी थोड़ा डरा हुआ था। मतलब मेरे बाकी जो होते हैं ना कलीग्स हमारे, वो डर रहते हैं यार, वहाँ जाके दूसरा काम बोलते हैं, क्यों जा रहे हो, बकरियाँ चराने बोलते हैं, यहाँ पे अलग काम बोलते हैं, वहाँ पे अलग काम बोलते हैं, पासपोर्ट निकाल के लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। जो एक एडवर्टाइज आती है, उसका नाम नहीं लेना चाहता, मगर वो जो एडवर्टाइज में एक उनका डर के आगे जीत है। सही है, करो, ट्राई करो, क्या होगा, आपको मार के तो नहीं डालेगा कोई। सही है, जब मेरे को यहाँ से कॉल आ गई तो 15 दिन तो मैं ऑफर लेटर हाथ में लेके घूमता था। मेरे कलीग थे लाइब्रेरियन, मेरे पहले जॉब में काम करता था, उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ, बिरंगल सर। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया दोस्तों। मैं ऐसे ही एक दिन गया था उनके पास, वो बोले क्या है हाथ में, मैंने बोला सर ऑफर लेटर है। वो बोले किधर गए, मैंने बोला सर दुबई गए। सैलरी कितनी है सर? 70,000 सैलरी है। यहाँ पे कितनी है? मैंने बोला सर 12,000। क्यों रुके हो यहाँ पे? उन्होंने इतना मोटिवेट किया मुझे उस टाइम। सेकंड डे मैंने छोड़ दिया काम उधर, वहाँ का आ गए यहाँ पे। थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको क्विकली जॉब मिल जाएगा, थोड़ा ट्राई करो यार। मैं आपको गाइड करने के लिए मैं हूँ, मेरे को गाइड करने के लिए कोई नहीं था। सोचो, मैं खुद करता था, मुझको पता भी नहीं था यहाँ पे क्या खाते हैं, कैसे होता है। ऐसे ही आ गया था मैं तो, जब यहाँ पे जॉब के लिए आया था तो ऐसे ही आ गया था। हाँ, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप दुबई नाम सोचकर अगर यहाँ पे आना चाहते हो तो मत आओ। आपको सच काम की ज़रूरत है, सच में आपको पैसा कमाना है, आप में काम करने की काबिलियत है, कितना भी आप काम कर सकते हो तो ही यहाँ पे आओ। आप अगर चाहते हो कि यार दुबई बहुत अच्छा शहर है, वहाँ पे जाऊँगा, दोस्तों को बताऊँगा दुबई में काम करता हूँ, किधर दुबई में हूँ, तो आप रियली यहाँ पे मत आओ। क्योंकि यहाँ आने के बाद 15 दिन में आपका ये टूट जाएगा, जो आप यहाँ पे आते हो तो आपको लगेगा क्यों आ गया मैं यहाँ पे,
मेरे साथ यही हुआ था। 15 दिन के बाद मैं भी निगेटिव हो गया था। फिर अगले लगता है यार इतना दूर आके सैलरी लेके, घर नहीं है, दोस्त नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, काम है, फैमिली नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको सच में काम की ज़रूरत है तो ही यहाँ पे आइए। सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, सैलरी का इशू नहीं है और यहाँ पे एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। ओके, अभी मैं कुछ पॉइंट्स कवर करूँगा। ओके, मैंने कुछ पॉइंट्स किए हैं। दुबई, अभी आप दुबई के बारे में मत सोचो। दुबई एक सिटी है और इस देश का नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें 7 अलग अलग सिटी है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बनाया था उस तरह। आप सिर्फ दुबई में टारगेट करोगे जॉब के लिए तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कंपटीशन वहाँ पे थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर सिटी ज़्यादा है। आप ट्राई करो शारजा में, आप ट्राई करो अबू धाबी में, आप ट्राई करो अनदर सिटी में, जैसे मैंने पहले वीडियोज में आपको बताया था। सही है, आपके कुछ भी कमेंट्स हो खुलकर, मैंने आपको नंबर भी दिया है, मैंने आप कमेंट्स के रिप्लाई भी देता हूँ, मैं आपको ईमेल्स के भी रिप्लाई देता हूँ। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो मैं बता दूँ। ओके, अभी यहाँ मुझको 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ये 3 सालों में यहाँ पे बहुत सीखा हूँ मैं। अभी मैं भी यहाँ पे नहीं, मतलब आगे जाना चाहता हूँ। आगे मतलब पहले तो इंडिया से बाहर जाना बहुत बड़ी बात थी, अभी मैं न्यूजीलैंड ट्राई कर रहा हूँ, मैं कनाडा ट्राई कर रहा हूँ। कुछ बड़ी बातें नहीं होती है दोस्तों, और बहुत सारे दोस्त मुझको बोलते कि सर इंग्लिश नहीं आती है प्रॉब्लम है। यार सीखोगे यार, ऐसा नहीं है, आप निकलो बाहर, निकलो बाहर, आपको सब आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं होती है। आप बाहर निकलो, सिर्फ आप पटरी पे तो आ जाओ, आप आगे ऑटोमेटिकली जाओगे। आप अगर सोचते ही रहोगे सिर्फ यार कैसा होगा क्या होगा, घर से भी बाहर नहीं निकल पाओगे, फिर वही हमारा ज़िंदगी है फिर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी के बारे में। यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी मिलती है दोस्तों, यहाँ पे सेविंग्स इंपॉर्टेंट है, सेविंग बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान। यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, ओवर टाइम्स मिलता है, आप जितना का आप अगर काम, मैंने बोला ना पहले पॉइंट में कि आप अगर यहाँ पे काम के लिए आते हो तो आपको बहुत सैलरी मिलेगी। आप ओवर टाइम करो आपको सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं, सही है। यहाँ पे टैक्स नहीं है, आपकी कोई कट नहीं होती है सैलरी, पूरी सैलरी जो आपकी है वो आपके हाथ में होती है। आप इंडिया में NRI अकाउंट बनाओ, वो पैसे इंडिया के NRI अकाउंट में भेज दो, कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट वीज़ा। वीज़ा यहाँ पे कौन सा वीज़ा होता है? ओके, तो 2 टाइप के वीज़ा होते हैं दोस्तों। एक यहाँ पे अगर आपको घूमने के लिए आना है तो टूरिस्ट विजिट वीज़ा होता है। ओके, वो होता है 1 महीने का 3 महीने का, और आपको यहाँ पर अगर काम मिल गया तो वीज़ा होता है 2 साल का, एम्प्लॉयमेंट रेसिडेंस वीज़ा बोलते हैं उसके लिए। ओके, वो 2 साल का ही होता है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है आपका, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, और 2 साल का वीज़ा भी होता है। ओके, वो वीज़ा कंपनी देती है आपको, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एजेंट के मतलब कॉन्ट्रैक्ट में मत जाओ। एजेंट क्या, एजेंट आपको वीज़ा नहीं दे सकता दोस्तों, कभी सोचो, कंपनी वीज़ा देती है, एजेंट नहीं दे सकता है। आप डायरेक्टली कंपनी से बात करो, कलास, सही है। एजेंट को ट्राई मत करो, खुद ट्राई करो, कंपनी से वीज़ा लो, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे जॉब भी बहुत सारे हैं, पहले वीडियोस में मैंने बहुत पता है कि कौन से जॉब है, क्विक जॉब है, फ्रेशर जॉब कौन से है, क्विक कौन से जॉब आपको मिल जाएंगे, सब पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। अभी ये फर्स्ट वीडियो है, अगले वीडियो में डिटेल्स में मतलब बता दूंगा। ओके, आज ये फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया है फेस टू फेस। ओके, नेक्स्ट बात है सिक्योरिटी की। बहुत सारे दोस्त मुझे बोलते हैं सर हिंदू के लिए वो सिक्योर है क्या, ऐसा। फर्स्ट तो यहाँ पे आपको कोई आपका रिलीजन नहीं पूछता है दोस्तों। ओके, यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है, पाकिस्तान की तरह नहीं है, हमारे मुल्कों की तरह नहीं है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे सिर्फ काम की अहमियत है। ओके, आपको कोई नहीं पूछेगा आप कौन से धर्म के हो, कौन से कास्ट के हो, क्या। यहाँ पे सिर्फ आपको पूछेंगे कितना काम किया, कितनी साल, मतलब काम के अलावा यहाँ पे कोई है। सिक्योरिटी अगर बोला जाए तो 1000% सिक्योरिटी है यहाँ पे। यहाँ पे क्राइम रेशो बहुत कम है। ये गोल्ड की चेन है, ये गोल्ड का ब्रासलेट है, यहाँ पे आप घूम सकते हो ये डाल के आराम से, आपको कोई मतलब टच भी नहीं करेगा। अगर लेडीज़ की बातें मैं करने जा रहा हूँ तो लेडीज़ यहाँ पे रात को
एक दो बजे भी घूम सकती है ओपनली, यहाँ पे किसी की ताकत नहीं है उसको बोलने की कुछ या कुछ उसको छेड़ने की। ओके, बहुत अच्छी कंट्री है, आई लव दिस कंट्री रियली। यूएई, आप अगर आओगे यूएई में आप वापस नहीं जाओगे, सच बात बोल रहा हूँ। वापस जाओगे क्यों? क्योंकि आपका परिवार इंडिया में होता है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट अबाउट फूड। यहाँ पे सब फूड अवेलेबल है, हमारे कोई दोस्त होते हैं जैन, वो प्योर वेज होते हैं, उनके लिए भी अवेलेबल है, यहाँ पे सब मिलता है दोस्तों। अब आप अगर खुद खाना हाथ से बना रहे हो तो यहाँ पे सब अवेलेबल है, प्योर वेज भी मिलता है, नॉन वेज में मिलता है, नॉन वेज में हज़ारों अटेम्प्ट मिलते हैं। मुझे तो नॉन वेज पसंद है, चिकन चिकन बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ, अगर किसी को चिकन, और यहाँ पे सस्ता भी है, नॉन वेज बहुत सस्ता होता है, आइटम्स बहुत सस्ते हैं, खाने के मतलब बहुत अच्छे है। नेक्स्ट पॉइंट है छुट्टियाँ। ओके, अगर यहाँ पे किसी को जॉब मिलता है तो वो 1 साल के बाद 1 महीने के लिए छुट्टी पर जा सकता है, उसकी सैलरी उसको मिलती है 1 महीने की। ओके, मैं क्या करता हूँ, हर साल छुट्टी के लिए इंडिया आता हूँ 1 महीने के लिए। इंडिया में प्राइवेट कंपनी में आपको कोई 1 महीने छुट्टी नहीं देगा, वो भी सैलरी के साथ। यहाँ पे मिलती है दोस्तों, बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना रूल्स अच्छे हैं, सैलरी अच्छी है, स्टाइल लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है सब तरफ। मैंने कितने साल पहले काम किया इंडिया में, मुझे कभी 1 साल 1 महीना छुट्टी नहीं मिली। यहाँ पे आप सुकून से एक महीना आपके फैमिली के साथ गुजार सकते हो, उसकी सैलरी भी आपको मिलती है, फिर आ जाओ काम के लिए। ओके, अगर 2 साल के बात लेते हो तो 2 महीने मिलती है आपके हिसाब से, अगर आपको इमरजेंसी पे जाना है तो इमरजेंसी पे जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ पे वर्किंग आवर्स नॉर्मली होते हैं 8 आवर्स 10 आवर्स, और ज़्यादा अगर हो तो उसका ओवर टाइम भी मिलता है दोस्तों, तो यह क्या बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे आप अगर काम के लिए आते हो ना तो नहीं सोचते हो। सच में जो मैं पहले ही बोला है, जो दुबई नाम, अगर आप दुबई नाम के अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आ रहे हो तो मत आओ, सच में बोल रहा हूँ, आपको सच में काम करने की ज़रूरत है, आपको अगर पैसा कमाना है ना तो यहाँ पे आओ, सच में। आप यहाँ पे अगर काम कर दो ना, इंडिया में जाकर वापस काम नहीं करोगे, खुद का बिजनेस डाल दो, इतना पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हो। सच में जो भी आज मैं कुछ हूँ वो इस देश के वजह से, रियल मतलब 3 अभी मैंने पहले काम किया, कुछ नहीं सेविंग हुई मेरी। एक कुरुक्षेत्र पिक्चर का एक डायलॉग मुझे याद आता है, सर सैलरी से, ये जो सैलरी होती है ना इससे चूल्हा जलता है, मगर चूल्हे के ऊपर कुछ नहीं जलता है सर, मतलब पकता नहीं है कुछ, ये हालत है हमारे। मतलब मैं अपने खुद के देश को मतलब गालियाँ नहीं दे रहा हूँ, बहुत अच्छा है, मेरी कंट्री है, आई लव माय कंट्री, मगर यार सैलरी होती है, हर किसी की चाहत क्या होती है, पैसा कमाना। ओके, प्यार तो होता ही है ना, प्यार से पेट नहीं भरता है, अगर पैसा हो तो सब कुछ होता है। और सच दोस्तों, यहाँ पे मैं हूँ यूएई में सिर्फ पैसे की वजह से, कभी कभी निगेटिव होता हूँ, लगता है चलो छोड़ के जाऊँगा वापस, दोस्त नहीं है यहाँ पे, हमारे फैमिली नहीं है, माँ भाई नहीं है, उस टाइम सोचता हूँ सैलरी, इतनी सैलरी इंडिया में नहीं, यहाँ पे क्या अलग नहीं काम करना है, जो इंडिया में आप काम करते हो, जो अपने मुल्क में काम करते हो, वही काम यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इतनी सैलरी दे रहे हो तो आपको नंगा होके काम करना है या कुछ तो और करना है, ऐसा नहीं, जो वही काम करते हो वही है यहाँ पे ही करना है बस। यहाँ पे सिर्फ काम, बहुत अच्छी कंट्री है दोस्तों, आप अगर यहाँ पे आओगे वापस नहीं जाओगे, आप सच लिख के देता हूँ मैं बॉन्ड पर। और हाँ, कल मैंने कुछ CV देखे हैं। ओके, वो तो उस CV के बारे में भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं हमारे दोस्त CV में। CV में एक तो आप जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालते हो उसमें आप कंट्री कोड नहीं डालते हो, लाइक आपका 10 डिजिट कोड आप डालते हो, सही है, तो ऐसा डालोगे तो यहाँ के लोग आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, उनको कैसे पता होगा कंट्री कोड क्या है, आप उसके पीछे आगे नहीं डालते हो ना 0091 या +91 या 0092 +92, ये डालोगे तो ही वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कभी कभी किसी कंपनी में इमरजेंसी रिक्रूटमेंट होती है,
वहाँ पे उनके लिए टाइम नहीं होता ईमेल भेजो ये वो लोग डायरेक्टली कॉल करते हैं आपको उस टाइम पे। छोटी छोटी गलतियाँ मत करो दोस्तों। ओके अभी मैं सीवी का फॉर्मेट मुझे बहुत लोग मांग रहे हैं इतना सच में मैं काम वाला आदमी हूँ मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। करूँगा मैं ये जो फॉर्मेट मैंने बोला था सीवी का एक बनाऊँगा सबको लिए भेज दूँगा मगर अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है दोस्तों मैं करूँगा वो भी। और एक बार गुजारिश करता हूँ किसी एजेंट के पास मत जाओ पैसे मत दो वो लोग आपको वीज़ा नहीं दे सकते हैं कंपनी वीज़ा देती है एजेंट लोग कैसे वीज़ा दे सकते हैं इंडिया में बैठकर आपको। थोड़ा कॉमन सेंस रखो इंडिया डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करो थोड़ा टाइम लगेगा हो जाएगा ऐसा नहीं है। मैंने भी टाइम मतलब पेशेंस रखी थी दोस्तों ऐसा नहीं कि चट से मिल गया मुझे जॉब नहीं तो 2 महीना 3 महीना तो आफ्टर ऑफर लेटर के बाद मैंने 2 महीना वेट किया है वीज़ा के लिए मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया सच में। यहाँ पे आने टाइम मेरे पास पैसा नहीं था टिकट निकालने के लिए भी तो 20,000 लेके मैं यहाँ पे आया था। अभी अच्छी खासी सेविंग भी हो गई है होता है आपके भी मतलब करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई ट्राई डोंट क्राई आपको सक्सेस मिल जाएगी मैं हूँ गाइड के लिए। अभी ऐसे ही डायरेक्ट फेस टू फेस वीडियो डालने की कोशिश करूँगा दोस्तों आपके लिए क्योंकि और आपके कोई भी कमेंट क्वेश्चंस है तो मुझे भेजिए ठीक है। वीडियो मेरा पूरा देखा करिए क्योंकि कभी कभी छोटा पॉइंट होता है इम्पोर्टेंट होता है तो आप वो मिस मत कीजिए। तो पूरा वीडियो देखा करिए लाइक कीजिए लाइक आपको अगर पसंद आए तो कीजिए ऐसा नहीं कि यार फोर्सफुली बोल रहा कि लाइक कीजिए ओके। और आपके कोई दोस्त है तो शेयर भी कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो भी कीजिए। चैनल का नाम भी अभी हम लोग दुबई करेंगे मतलब कुछ तो टेक गुरु था वो टेक्निकल थिंग्स के लिए होता है मगर देखेंगे अभी मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ है दोस्तों आपके लिए। मतलब मैं एक वेबसाइट भी बना रहा हूँ जिसमें मतलब मैं डायरेक्टली कंपनी में जो रिक्रूटमेंट होती है तो वो जॉब रिक्रूटमेंट के डायरेक्टली पोस्ट कर दूँ वहाँ पे तो आप डायरेक्टली उस ईमेल पे या उस कॉन्टेक्ट पे डायरेक्टली आप फ़ोन कर सकते हो ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एजेंट की तरह काम कर रहा हूँ ठीक है। बाकी सब खैरियत ठीक है खुश रहो अप्लाई करो आप सब में मुझे मैं खुद दिखा देता हूँ क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही था आपकी तरह। मिलेगा जॉब मिलेगा बहुत सारे दोस्त थे पेशेंस रखो मिलेगा एक दिन मिलेगा मुझे ज़रूर बताना दोस्तों मुझे मत भूलना ठीक है। मिलेंगे ज़रूर मैं वैकेशन के लिए जब भी आऊँगा हम लोग ट्राई करेंगे गेट टुगेदर रखने के लिए तो वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको गाइडेंस हो जाएगा मुंबई पुणे दिल्ली कहाँ पे भी मैं हम लेक्चर रखेंगे उस दिन तो आपके थोड़े छोटे छोटे पॉइंट हम लोग वहाँ पे कवर कर देने की कोशिश करेंगे। चलो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कुछ आपको कोई गाइडेंस के नए वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में डाल दो कि ये गाइडेंस का वीडियो डाल दो सर रिगार्डिंग ये रिगार्डिंग ड्राइविंग जॉब रिगार्डिंग कुछ भी ठीक है। चलो बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो इतना टाइम दे के आप लोग मेरा वीडियो वॉच कर दो रियली थैंक्स। और आगे से ही ये ऐसे ही डायरेक्टली फेस टू फेस वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा दोस्तों थैंक्स बाय बाय।